गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, वेलकम टू प्लेइंग विद जीके चैनल, जो कि पार्ट है अनअकैडमी का। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के अपने प्लेइंग विद जीके चैनल पर, जो कि पार्ट है अनअकैडमी का। एक बार जल्दी से धुआंधार तरीके से बच्चा क्लास को शेयर कर दीजिए, थोड़ा ठहराव लाएंगे चीज़ों में, थोड़ा पेशेंस रखेंगे चीज़ों में। एक चीज़ और, मैंने उस दिन बहुत लंबा चौड़ा तुम्हें भाषण दिया था कि भाई कैसे एग्ज़ाम को टारगेट करना है, किस प्रकार एग्जाम को निकालना है। वहीं पर आज मैं तुम्हें एक एडवाइस और दूंगा बच्चा, यदि तुम सही मायने में किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो और तुम सही मायने में एक सरकारी दामाद बनना चाहते हो, जो कि हमारी भाषा में बोला जाता है, हमारी भाषा में सरकारी नौकरी नहीं बोलते, हमारी भाषा में बोलते हैं सरकारी दामाद। तो यदि भाई तुम एक सरकारी दामाद बनना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे अंदर धैर्य लाना पड़ेगा, पेशेंस लाना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी नौकरी ऐसा नहीं है कि भाई पेड़ पे लगा हुआ आम है, कोई भी चढ़ेगा और तोड़कर खा जाएगा। इतना आसान नहीं है भाई सरकारी नौकरी लगना। सरकारी नौकरी के लिए तुम्हें निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और लगातार प्रयास जो कि पेशेंस के साथ ही किया जा सकता है। मतलब आपके अपने अंदर धैर्य तो ज़रूर लाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में महल खड़े नहीं होते, एक दिन में तो कुछ भी नहीं होता भाई, ठीक है ना। एक दिन में इंसान बना भी नहीं था और एक दिन में इंसान निश्चय मतलब कदम भी नहीं होता। चीज़ें ना ही एक दिन में बनती हैं, एक दिन में कदम भी नहीं होती, निरंतर प्रयास के द्वारा ही चीज़ें बनती हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है जी। चलिए जी, क्लास को एक बार शेयर कर देना, मैं जल्दी से आपको एक बार छोटी सी स्पीच दे देता हूँ भाई, फिर आपको चीज़ों को जल्दी से आगे लेकर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं बच्चा जीके जीएस के ऊपर। हमारा चैनल है, चैनल का नाम है प्लेइंग विद जीके। जो बच्चा चैनल पर नया जुड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे क्लास की। ये हमारा अनअकैडमी का ऑफिशियल ऐप है, ये हमारा अनअकैडमी का ऑफिशियल ऐप है। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको फ्री और पेड दोनों ही क्लासेस मिलेंगी। दोनों ही क्लासेस के लिए आपको कोड यूज करना है CM10। चलिए जी, ये कुछ हमारे कोर्सेज हैं। एक महीने की हमारी फीस है 1300 रुपये, 3 महीने की फीस है 3250, 6 महीने की फीस है 5200, 12 महीने की 6500, 24 महीने की 7800 रुपये। इन फीसों को आप एक महीने की मासिक किस्तों पर भी दे सकते हैं, ठीक है जी। ये मेरा कोड है CM10, इसे नोट डाउन कर लेना। आप अनअकैडमी ऑफिशियल ऐप पर जाके, मुझे सर्च करके फॉलो भी कर सकते हैं, ताकि जब भी मेरी क्लास होगी वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए जी, मेरा कोड है, मेरा रेफरल कोड है CM10। चलिए बस बहुत हुआ, आ गया सवाल, जल्दी से सवाल देखते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा सिचुएटेड और लॉन्च। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगभग हमारे ग्रुप में 1700 प्लस विद्यार्थी होंगे और 10700 बच्चे हैं बच्चा हमारे अनअकैडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है जी, जो SSC से संबंधित ही है। तो भाई वहां पर यदि इतने विद्यार्थी हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि 15, 20, 25, 30 इतने ही विद्यार्थी क्यों आ रहे हैं। क्या केवल इतने ही बच्चों को पेपर देना है, बाकी खुद ब खुद पास हो जाएंगे क्या? अबे कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा, फिर मैं बोलूँगा फिर अपनी भाषा में। तो करण मोहर जी, सुशील योगी जी, हर्षिता साहू जी, नीरज खुशवा भाई, चलिए जी सवाल है आपकी स्क्रीन पर। वो बोल रहा है, भारत में पहला सार्वजनिक ईवी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा कहाँ पर लॉन्च किया गया। एक सवाल और बनता है बच्चा, आपने देखा होगा नंबर प्लेट, कलर चेंज कर देता हूँ, एक सवाल और बनता है, आपने देखा होगा कि हमारी भाई गाड़ियां होती हैं, गाड़ी पे नंबर प्लेट होती है। कमेंट करके ये बताओ इलेक्ट्रिक व्हीकल पे कौन से कलर की नंबर प्लेट होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे कौन से कलर की नंबर प्लेट होती है। सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सवाल का जवाब है नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में CM जो बैठे हैं उनका नाम है अरविंद केजरीवाल, और जो यहाँ पर LG बैठे हैं उनका नाम है अनिल बैजल। जो LG बैठे हैं यहाँ पर उनका नाम है अनिल बैजल, ठीक है जी। ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है, मगर
ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपकी स्क्रीन पर आपके सामने लिखा हुआ है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है हमारे देश में, उनका कलर क्या होता है, उनका रंग क्या होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सवाल का जवाब रहेगा ग्रीन। कौन से कलर के होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की नंबर प्लेट? बस केवल और केवल बच्चा नंबर प्लेट की बात कर रहा हूं मैं, केवल और केवल नंबर प्लेट की बात कर रहा हूं, ठीक है जी। तो नंबर प्लेट होगी ग्रीन कलर की, हरे रंग की। बहुत बढ़िया बच्चा, येलो तो हो जाएगा अपना जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं, वो येलो तो हो जाएगा हमारा कमर्शियल व्हीकल वाला, जो ट्रांसपोर्ट वाले व्हीकल होते हैं ना, उसका हो जाएगा येलो जी। बहुत बढ़िया, चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सवाल। अगला लाते हैं आपकी स्क्रीन पर, सवाल का जवाब था ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, वो कह रहा है इंफोसिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी ऑफ इंडिया, हु इज द फाउंडर ऑफ इंफोसिस। ये सवाल मैंने तुम्हें पहले भी पढ़ा है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत, ये सवाल इंपॉर्टेंट है बहुत। एक सवाल तुम्हें और पढ़ाया था मैंने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, TCS की फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। सवाल है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के फाउंडर का नाम क्या था जिनका हाल ही में निधन हुआ है, और एक सवाल ये है इंफोसिस जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसके सर कुछ GS GK की क्लास भी जी। बहुत बढ़िया फनी मोमेंट साहब, और हमारे गुरुजी का नाम आगे, अरे यार याद तो बहुत आती है, मैं क्या बताऊँ। चलिए जी, जल्दी से कमेंट करके बताइए। एक दो ही लोग थे जिनसे मेरी ज़्यादा पटती थी, उसमें से एक तुम जानते हो कौन थे। इंफोसिस जो कि भारत की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है बच्चा, वो वाली जो GKGS है ना, जो तुम्हारे शब्दों में GKGS है, सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा क्या है, सबसे पतला क्या है, सबसे मोटा क्या है, सबसे ऊंचा क्या है, सबसे नीचा क्या है, इसके लिए जल्दी से, मतलब जल्दी से इसके लिए भी मैं क्वेश्चंस ले आऊँगा, डोंट वरी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मगर ये वाली जो बच्चा स्टैटिक है वो ज़्यादा रेलिवेंट है मुझे जितना लगता है। CND बच्चा, CND वो क्या बात है, मतलब दो ऑप्शन सेम है तो बच्चा जवाब दे रहा है CND। याद रखना ऑप्शन नंबर डी गलत रहेगा, जो पहले पढ़ेगा वही सवाल को सही माना जाएगा SSC के द्वारा, जो पहले पढ़ेगा फर्स्ट पढ़ेगा उसे ही सही माना जाएगा। SSC का सीधा सा फॉर्मूला है फर्स्ट कम फर्स्ट गेट, पहले आइए पहले पाइए, ठीक है जी, फर्स्ट कम फर्स्ट गेट वाला मैटर है। ये सवाल तो क्लियर हो गया, ये तो मैंने समझा दिया। एक सवाल और है TCS वाला, उसका जवाब दे दीजिए। हाल ही में उनके फाउंडर की डेथ हुई है, उनके फाउंडर का नाम क्या है, मैंने पढ़ाया है मुस्लिम थे कोई, मुस्लिम नाम था, मैंने पढ़ाया है तुम्हें, ठीक है जी। चलिए अगला सवाल तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ मैं स्क्रीन पर। हु इज द हेड ऑफ द कमिटी सेटअप बाय IFSCA जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी टू सजेस्ट वेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिटेल बिजनेस। शेखर कुमार, प्रदीप शाह, सुमित गाबा या फिर सुरेश कुमार। अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यापार के विकास के लिए सुझाव देने के लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसका नाम है IFCSCA, अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा गठित समिति के प्रमुख कौन है। सवाल इंपॉर्टेंट है बच्चा, CGL लेवल का सवाल है, सवाल इंपॉर्टेंट है, CGL लेवल का सवाल है। चांद कोहली, बहुत बढ़िया जी, जी जी फकीर चंद कोहली, फकीर चंद कोहली, मैंने बोला मुस्लिम जैसा नाम था, फकीर हो गया बच्चा मुस्लिम वाला नाम। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत अच्छे, फकीर चंद कोहली, ठीक है जी। एक सवाल आपको और आ गया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे दरखास्त करूंगा, एक बार जो भी आप लोगों के ग्रुप हैं उन सभी ग्रुपों में भेज दीजिए अपनी क्लास का लिंक और बोलिए एक बार राजा भाई दम है तो सवालों का जवाब दे दे, फिर मत आइयो, ठीक है ना। चलिए जी, दो सवाल आपके टैकल हो गए, 2 questions मैंने आपको करवा दिए। अब सवाल आता है इस सवाल का जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो आप बोलेंगे सर ये तो बेसिक सवाल है, पढ़ रखा है, कहीं ना कहीं आपने जरूर पढ़ा होगा। सवाल का जवाब है प्रदीप शाह,
ये बिल्कुल भी वो जय शाह नहीं है जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ये जय शाह अमित शाह के बेटे नहीं है, इनका नाम है प्रदीप शाह। सवाल इंपॉर्टेंट है सीजीएल के एग्जाम के लिए, और जो भी एग्जाम 4200 ग्रेड पे से अब का होगा, मतलब ऊपर का होगा, उन सभी एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट सवाल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एसएससी सीएचएसएल में फुल फॉर्म पूछ सकता है, ये भी ध्यान रखना। चलिए जी, सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। वो बोल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैज पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट वॉलंटियरिज्म अमंग द इंडियन यूथ। ये वॉलंटियरिज्म की स्पेलिंग को थोड़ा सा ध्यान रख लेना, हो सकता है एमटीएस और सीएचएसएल के एग्जाम में स्पेलिंग पूछ जाए ये वाली, एमटीएस में ज्यादा चांस रहेंगे। सवाल है, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने भारतीय युवाओं में तो स्वैच्छिकता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है? यूएनआईडीओ, आईबीआरडी, यूनेस्को या फिर यूनिसेफ। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, प्रदीप जोशी, बहुत बढ़िया जी। प्रदीप जोशी आप जानते ही हैं, 2020 में ही बनाए गए थे, 2020 में ही बनाए गए थे, नए अपॉइंट किए गए थे। प्रदीप जोशी यूपीएससी के नए चेयरमैन। यूपीएससी में कोई महिला चेयरमैन, मैंने सब चीज़ें पढ़ा रखी हैं, मगर हाँ आज दोबारा स्टार्ट करेंगे हमारा कोर सब्जेक्ट जिसका नाम है इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, आज रात 10 बजे से। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सवाल का जवाब रहेगा यूनिसेफ। एक सवाल और बनता है फिर, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एक सवाल और बनता है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? और एक सवाल और बनता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर के मिनिस्टर कौन है? एक सवाल ये हो गया हमारे सामने, एक सवाल ये हो गया हमारे सामने, एक सवाल ये हो गया हमारे सामने, और एक सवाल हमारे सामने ये हो गया। एक सवालों में 4 सवालों को, नए 4 सवालों को ढूंढना है यदि, तो आपको चीजों को मैनेज करना ही पड़ेगा। ठीक है जी, बचा टाइम रहेगा 10 बजे होगी हमारी ये वाली क्लास पॉलिटी वाली, और 8:30 बजे हमारी होगी नाइट अफेयर्स की क्लास। 8:30 बजे होगी हमारे सामने नाइट अफेयर्स की क्लास। उन नाइट अफेयर्स की क्लास में हम बात करेंगे जो पूरे दिन, मतलब कल के, जो कल पूरा का पूरा दिन बीता ना और आज का जो दिन बीत रहा है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चनों पे बात करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा, वो 25 क्वेश्चन के लिए बस मैं 25 मिनट ही लूंगा। नाइट अफेयर्स 25 क्वेश्चन विद इन 25 मिनट, ये नया पैटर्न है जो मैं शुरू करूंगा आज से। बहुत बढ़िया, मिनिस्टर कौन है? किरण रिजिजू। मिनिस्टर कौन है? किरण रिजिजू। ठीक है जी, सवाल इंपॉर्टेंट है बच्चा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना, बहुत रेलिवेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी बच्चा, आनंद कुमार जी एक चीज याद रखना, यदि सरकार में आपको शामिल होना है तो कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं करनी अपनी तरफ से, ये चीज मेरी ध्यान रखना बच्चा। मैं मानता हूं लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, मगर आप जानते हो भारत सरकार के एक सचिव हैं, उन्होंने मतलब मीडिया में आके एक बयान दिया था और बोला था कि क्या इस देश में इतनी लोकतांत्रिकता होना ठीक है, इतनी डेमोक्रेसी होना ठीक है? तो ध्यान रखिए, बिल्कुल सजे हुए शब्दों में इस्तेमाल कीजिए चीजों का। भाई किसी को अब्यूज भी करना है ना, गाली भी देनी है, तो बिल्कुल चाशनी में लपेट के दीजिए गाली, ताकि उसको समझ ना आए गाली पड़ गई। क्लियर? हेडक्वार्टर कहाँ पर है आप जानते हो? अमेरिका में, यूएसए में। ठीक है जी, चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टाई अप विद द इनोवेशन पेमेंट सॉल्यूशंस टू ऑफर कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल ईएमआई ऑप्शन। एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए, सवाल रेलिवेंट रहेगा ईपीएफओ वाले एग्जाम के लिए और एसएससी सीजीएल के लिए। मैं कैटेगराइज कर रहा हूँ सवालों को, निम्नलिखित में से किसने इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशन के साथ सुविधाजनक और सस्ती ईएमआई विकल्प की पेशकश की है? ऑप्शन है बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशन, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन, इंडिया बुल्स, इको इंडिया, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक सवाल और पढ़ाया था मैंने आपको, टॉप बैंक ऑफ 2020, टॉप बैंक ऑफ 2020, 2020 में सबसे अच्छी बैंकिंग परफॉर्म करने वाला भारत का बैंक कौन सा था?
इस सवाल का जवाब है बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी। भारत में कितने नेशनलाइज बैंक है? भारत में कितने नेशनलाइज बैंक है? तो भारत में नेशनलाइज बैंक की संख्या रहेगी बच्चा 12, क्योंकि 10 बैंकों को उठाकर मर्ज कर दिया गया है, इसीलिए भारत में नेशनलाइज बैंकिंग की संख्या रहेगी केवल और केवल 12। सवाल का जवाब है बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशन, और टॉप बैंक वाले सवाल का जवाब भी कुछ इसी तरीके से निकल जाएगा। जी बहुत बढ़िया जी। अभी पॉलिटी के सवाल भी आएंगे बच्चा, यहाँ पर क्वेश्चन वहां पर थ्योरी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सवाल को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, अच्छा खासा दमदार सवाल है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री सुपोषण योजना? सुपोषण लिखा है, पोषण नहीं लिखा है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री सुपोषण योजना टू कम्बेट मॉल न्यूट्रिशन इन द स्टेट? वो बोल रहा है कौन सा राज्य सरकार राज्य में कुपोषण से निपटने के लिए लॉन्च किया है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू की है? सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि मैं बोल रहा हूं कोई सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब वो सवाल सच में इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर कर्नाटका। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए जी। बिहार। अच्छा, कितने ही सारे बैंकों को प्राइवेट कर दिया, और भी बहुत सारे बैंक्स को लेकर आए हैं प्राइवेट करने का, ठीक है ना? बहुत सारी कंपनीज को बेचने की बात चल रही है, वो तुम जानते हो। देखो यार, वो तुम मुझसे बेहतर जानते हो। चलिए जी, सवाल बहुत अच्छा है बच्चा। उड़ीसा उड़ीसा उड़ीसा। एक विद्यार्थी है जिनका नाम है करण मोहर। बहुत बढ़िया जी, सवाल का जवाब क्या है? एक ही विद्यार्थी ने अभी तक सवाल का सही जवाब दिया है, जिस विद्यार्थी का नाम है छत्तीसगढ़। सवाल इंपॉर्टेंट है। एक सवाल और बनता है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? एक सवाल और बनता है, छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री कौन है? और छत्तीसगढ़ के ही राज्यपाल का नाम क्या है? राज्यपाल को इंग्लिश में कहेंगे गवर्नर, और मुख्यमंत्री को कहेंगे सीएम, चीफ मिनिस्टर, और अपना कोड हो जाएगा CM10। क्लियर? तो बताइए मुख्यमंत्री कौन है? इसके साथ साथ एक सवाल और बनता है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़? तीन सवाल आपकी स्क्रीन पर है, तीनों सवालों के जवाब जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है? छत्तीसगढ़ की राजधानी हो जाएगी अटल नगर। जरूर आपने पढ़ा होगा अटल नगर के बारे में। अटल नगर से पहले थी नया रायपुर, अटल नगर से पहले थी नया रायपुर, और नया रायपुर से पहले थी केवल और केवल रायपुर, ठीक है? एक सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया, दो सवालों के जवाब आप दे दीजिए। मुख्यमंत्री का नाम है भूपेश बैगल, भूपेश बैगल। मुख्यमंत्री का नाम हो गया भूपेश बैगल। राज्यपाल कौन है ये भी बता दीजिए। ये राज्यपाल वाला सवाल बनेगा ग्रुप डी में, ये राज्यपाल वाला सवाल बनेगा ग्रुप डी में। हर चीज को कैटेगराइज करने का तरीका है, पढ़ने का सही तरीका है, पढ़ने का प्रॉपर अनसुईया उकई। जी बहुत बढ़िया, गवर्नर का नाम है अनसुईया उकई करके गवर्नर है जिनका नाम है अनसुईया उकई। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है जी? सवाल देख लीजिए कितने हो गए, एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल, चार सवाल, इसके अलावा पुरानी कैपिटल, पांच सवाल। एक सवाल में पांच सवाल को हमने धुआंधार तरीके से टैकल कर दिया है। चलिए अगला सवाल मैं आपके सामने आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ एनपीसीआई? निम्नलिखित में से कौन एनपीसीआई का एक प्रोडक्ट या उत्पाद नहीं है? एक सवाल और बनता है बच्चा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीसीआई? सवाल वही एग्जाम में पूछे जाएंगे जिनको आपने नहीं सुना। यदि सुने हुए सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे होते तो हर कोई नौकरी लग गया होता, ठीक है जी? एनपीसीआई की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और बच्चा मैंने, मतलब मैं देखो अपनी तरफ से पूरा, अगर मैं खुद पेपर देने जाता ना तो मैं जो करता वो मैं सब तुम्हें कराऊंगा। देखिए मैं एक नया, मतलब एक चीज और शुरू करूंगा, 10 मिनट्स क्लास शुरू करूंगा। जैसे कि इस 10 मिनट, मतलब एक क्लास शुरू करूंगा केवल और केवल 10 मिनट के लिए, एक दिन में एक क्लास। जैसे उसमें मैंने तुम्हें पढ़ा दिया 1945, भाई बॉम्ब गिरा हिरोशिमा और नागासाकी पे। बॉम्ब कब गिरा? यहाँ गिरा 6 अगस्त 1945 को, यहाँ गिरा 9 अगस्त
1945 को आप बोलोगे सर पता है मुझे, मगर मैं पूरा पढ़ा दूंगा। क्या क्या पढ़ा दूंगा? या मैं पढ़ा दूंगा अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे जिससे बॉम्ब गिराया गया, उस प्लेन का नाम क्या था, उस कमांडर का नाम क्या था जिसने प्लेन गिराया। ठीक है जी, जो पहला बॉम्ब गिराया गया था वो 12,000 TNT का था। TNT 12,000 TNT वाली शक्ति थी उसमें, ठीक है ना। जो सबसे शक्तिशाली परमाणु बम टेस्ट किया गया था शायद उससे 20 गुना ज्यादा शक्ति थी इसमें, 20 टाइम्स ज्यादा, ठीक है ना। इसे बोला गया लिटिल बॉय, इसे बोला गया लिटिल बॉय। और जो नागासाकी पे गिराया उसे बोला गया फैट मैन। फैट मैन की कैपेसिटी थी 4,500 TNT। बस ये मत बोलना कहाँ से पढ़ लाते हो ऐसी ऐसी चीजें, उल्टी सीधी चीजें, दिमाग खराब कर रखा, खून पी रखा है आपने हमारा। अच्छा मैं चाहता हूँ तुम्हारा खून पी जाऊं, ठीक है ना। चलिए जी, सवाल आता है कि इस सवाल का जवाब क्या है। एक सवाल और पूछूंगा तुमसे, ऐसे ही मतलब पढ़ाते पढ़ाते याद आ गया, वो भी पूछूंगा। इस सवाल का जवाब है ईसीएस। ईसीएस इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनपीसीआई। एक सवाल तुमसे और पूछना चाहूंगा, क्या बॉम्ब नागासाकी पर ही गिराने वाले थे या कहीं और भी गिर सकता था? स्माइली सिंह जी, यदि आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं आपकी गारंटी लेता हूँ पूरी की पूरी, ठीक है जी। यदि आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ, मेरी पूरी की पूरी गारंटी है, एग्जाम क्रैक करा कर ही दम लूंगा, ठीक है। एक सवाल और बनता है, मतलब नॉर्मली पूछ रहा हूँ, अब्यूज मत करना कि दिल में गाली दे रहे हो कि भाई साहब खून पी लिया इस आदमी ने हमारा। खून नहीं पिया, एक नॉर्मल छोटा सा सवाल है, मुझे पता है नहीं बता पाओगे, फिर भी ट्राई करना। क्या बॉम्ब नागासाकी पर ही गिराना था क्या, या कहीं और गिराना था? जवाब देना एक बार सोच के, वरना मैं अभी चलती हुई क्लास में ही जवाब दूंगा उसका। इसीलिए बोल रहा हूँ 10 मिनट के ये सेशन लाऊंगा तुम्हारे लिए। चलिए जी, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट अप्रूव्ड अ प्रोजेक्ट फॉर बूस्टिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन टू हेल्प द फार्मर्स ऑफ स्टेट। हाउ मच अमाउंट हैज बीन फंडेड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक आउट ऑफ द टोटल आउटले ऑफ। चलिए जी, वो बोल रहा है महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के किसानों की मदद के लिए फल और सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है एशियाई विकास बैंक द्वारा। ये परियोजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए की कुल प्रव्यय से कितनी राशि वित्त पोषित की गई है? वो बोल रहा है 1,000 करोड़ उसका टोटल रखा गया है, 1,000 करोड़ में से कितना दिया है एबीडी ने, एडीबी ने। एक सवाल और बनता है बच्चा, एडीबी का हेडक्वार्टर कहां पर है? बहुत बार पढ़ाया मैंने हेडक्वार्टर इसका, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एडीबी? एडीबी का हेडक्वार्टर कहां पर है? एक सवाल ये भी बनता है सर, कहीं और गिराने वाले थे पर वहां दिन होने वाला था, एनवायरमेंट के कारण यहां गिरा दिया। नो मेनली इन जापान। बच्चा नेहा जी, बोथ आर द पार्ट ऑफ जापान, हिरोशिमा एंड नागासाकी बोथ आर द सिटीज ऑफ जापान। आपको जानकर हैरानी होगी, गिराने वाले थे ओसाका पे, ओसाका पे गिराने वाले थे। ओसाका भी एक शहर है, शायद आपने नाम जरूर सुना होगा ओसाका का। ओसाका पे गिराने वाले थे, मगर जब वो ओसाका के ऊपर पहुंचे तो ओसाका के ऊपर बादल छाए हुए थे, ओसाका के ऊपर बादल छाए हुए थे, इसीलिए उन्होंने मूव किया अपने सेकंड टारगेट की तरफ। सेकंड टारगेट था नागासाकी, ठीक है जी। कहते हैं बॉम्ब गिराने के बाद पायलट कांप गए थे कि हमने ये क्या कर दिया, हमने मतलब ये क्या कर दिया, मगर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जब एक गिरा दिया था ना दूसरा नहीं गिराना चाहिए था, ठीक है ना। वो गलत था, वो अमेरिका की अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। और जैसे यूके यूनाइटेड किंगडम नीचे आ गया ना, एक दिन अमेरिका भी देखना जरूर नीचे आ जाएगा इन्हीं चक्करों में। सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब है 700 करोड़। सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब है 700 करोड़। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना, क्लियर। चलिए जी, 700 करोड़ सवाल का जवाब है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, वो कह रहा है वेयर वॉज द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप गोइंग टू बी हेल्ड इन 2020 विच इज पोस्टपोन्ड टू 2022। बच्चा 2022 में होगा वर्ल्ड कप, क्योंकि कई सारे विद्यार्थियों ने ना मुझे कमेंट करके कहा 2021 में होगा। कई सारे विद्यार्थियों ने इस सवाल का जवाब दिया था 2021 में होगा, बच्चा 22 में होगा ये। चलिए जल्दी कमेंट करके बताइए फटाफट से। वो कह रहा है वेयर वॉज द आईसीसी मैंस T20 वर्ल्ड कप गोइंग टू हेल्ड इन 2020 विच इज नाउ पोस्टपोन टू 2022। वो कह रहे हैं कि अब कहाँ पर होगा 2020 में। जितने आपके ग्रुप्स हैं प्लीज ग्रुप में क्लास को शेयर जरूर कीजिए,
ताकि विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा जुड़ पाए। चलिए भाई, कम से कम बच्चे जोड़ने की जिम्मेदारी तो तुम्हारी है भाई, वो मेरा काम थोड़ी है, वो तुम्हारा काम है यार। मेरा काम है पढ़ाना। एक टीचर ईमानदारी से कंटेंट दे सकता है, पढ़ा सकता है, मगर आगे की चीजें तुम्हारे पास है। देखिए, सवाल का जवाब मैं देता हूँ। सवाल का जवाब ऑस्ट्रेलिया ही है, ठीक है ना? पहले 2020 में भी कहाँ होने वाला था, 2020 में भी होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में ही, ठीक है जी? और मेंस एंड वुमेन्स दोनों ही यहाँ होने वाले थे, मेंस एंड वुमेन दोनों ही यहाँ होने वाले थे, और दोनों का जो फाइनल मैच था ना, दोनों का जो फाइनल मैच था, वो फाइनल मैच होने वाला था मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। फाइनल मैच होने वाला था मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। और एक चीज और याद रखना बच्चा, जो भी बच्चा एमटीएस का फॉर्म भरेगा उसके लिए स्पोर्ट्स वाला सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। स्पोर्ट्स से बहुत सारे सवाल पूछता है वो, क्लियर? एक सवाल और बनता है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? पीएम कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम है स्कॉट मॉरिसन। एक सवाल और बनता है, किन दो मतलब जापान ने किस देश के साथ, जापान ने किस देश के साथ एक समझौता किया है, डिफेंस डील करी है, जो कि सबसे बड़ी डिफेंस डील है जापान और उस देश के बीच में। जापान और किस देश ने एक डिफेंस डील करी है चाइना की साउथ चाइना सी में बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को देखते हुए एक डील करी गई है, जिस डील का नाम तुमने बता दिया, वो डील है जापान और किस कंट्री के बीच में। बहुत बढ़िया स्माइली जी, मैंने पढ़ा है ये सवाल। डील की गई है जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ना वो ऑप्शन में देगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए, और बच्चा यूएसए देखते ही टिक कर देगा, क्योंकि यूएसए न्यूज में था। यूएसए ने अब जापान से पैसे मांगे थे बहुत सारे, कि यदि आप चाहते हो हमारी सेना आपके देश में बनी रहे आपकी मदद के लिए, क्योंकि उन दोनों के बीच एक पैक्ट साइन है कि हम आपकी मदद करते रहे सेना के द्वारा, तो आपको बहुत ज्यादा और पे करना पड़ेगा हमें, ठीक है? इसीलिए बच्चे को लगता है शायद इस सवाल का जवाब भी यूएसए हो, मगर यूएसए नहीं। सवाल का जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया, अच्छा खासा प्यारा सा सवाल है। प्यारे तो तुम भी हो, मयंक यादव जी बहुत बहुत स्वागत है, सोहेल अख्तर जी, सुशील कुमार योगी जी, रजत जी, करण मौर जी, स्माइली सिंह, अंकुर, गोलू कुमार पांडे जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जी, वो कह रहा है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन हॉकी फेडरेशन सिचुएटेड। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CHSL, CGL, CPO, MTS हर एग्जाम के लिए रेलिवेंट सवाल है। एशियाई हॉकी संघ क्या मुख्यालय कहां पर स्थित है? एक सवाल और बनता है बच्चा, सवाल कुछ इस प्रकार बनता है कि पाकिस्तान ने ज्यादा वर्ल्ड कप जीते हैं हॉकी वाले, या भारत ने ज्यादा जीते हैं? पाकिस्तान ने ज्यादा वर्ल्ड कप जीते हैं हॉकी वाले, या भारत ने ज्यादा जीते हैं? इस सवाल का जवाब आप ही दोगे भाई, इस सवाल के जवाब का मुझे कोई आइडिया नहीं है, मगर सवाल आप दोगे, क्योंकि कई बार मैंने आपको पढ़ाया है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, और भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है, नो नेशनल स्पोर्ट्स, नो नेशनल स्पोर्ट्स, भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। एशियन हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है? तो आप जवाब देंगे, सर एशियन हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर मौजूद रहेगा अपना कुआला लामपुर मलेशिया में। कुआला लामपुर कैपिटल ही है मलेशिया की, मलेशिया भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है चीजों को लेकर अभी, ठीक है जी? सवाल का जवाब है कुआला लामपुर, कुआला लामपुर मलेशिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है? पाकिस्तान और इंडिया वाला मैंने क्लियर कर दिया ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें आपको। चलिए जी, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं मैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वर्ल्ड कप विनर बेनेडिकेट होवेट्स हु अनाउंस हिज रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 32 प्लेड फॉर विच स्पोर्ट्स। वो कह रहा है 32 वर्ष, बच्चा एज ऑफ 32, प्लेड फॉर विच स्पोर्ट्स, वो कह रहा है विश्व कप विजेता बेनेडिकेट होवेट्स ने 32 वर्ष की आयु में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा किस खेल से की है? ऑप्शन है फुटबॉल, सॉकर, बास्केटबॉल या क्रिकेट। चलिए भाई जल्दी से जवाब दीजिए, फुटबॉल, क्रिकेट,
या बास्केटबॉल? अच्छा सवाल है बच्चा। चलिए जी, फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिए। अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत सारे विद्यार्थी सवाल का जवाब दे रहे हैं। फुटबॉल 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 फुटबॉल, ठीक है जी। देखिए ये दो सिमिलर गेम्स हैं, मगर इस सवाल का जवाब फुटबॉल नहीं है, सवाल का जवाब है सॉसर। ठीक है जी, सॉकर या सॉसर, इस सवाल को इंपॉर्टेंट मार्क करना। मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 11वां सवाल है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए जी, हिमानी सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा आने के लिए। चलिए जी, सवाल आपकी स्क्रीन पर है अगला। विच गोल्फर वॉन द USPGA मेमोरियल टूर्नामेंट? किस गोल्फर ने USPGA मेमोरियल टूर्नामेंट जीता है? टेरिगो गैरेसिया, पैबेलो लैरेज़ेबल, जॉन रेहम या एंटीनियो एंटोनियो गैरिडो? क्या होगा सवाल का जवाब? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच गोल्फर वॉन द PGA मेमोरियल टूर्नामेंट? किस गोल्फर ने USPGA मेमोरियल टूर्नामेंट जीता है? बच्चा फुटबॉल नहीं होगा, सवाल का जवाब होगा सॉसर या सॉकर। चलिए जी, सवाल का जवाब दीजिए। USPGA मेमोरियल टूर्नामेंट, चलिए क्या होगा सवाल का जवाब? USPGA मेमोरियल टूर्नामेंट, अच्छा सवाल है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट से। गोल्फ की बात कर रहा है बच्चा डायरेक्टली, कुंग फू सॉसर। हाँ बच्चा, वो फिल्म देखी होगी ना तुमने, वो एक मूवी थी, पता नहीं जापनीज थी पता नहीं चाइनीज थी। सवाल का जवाब क्या है? सवाल का जवाब है जॉन रहम। सवाल का जवाब है जॉन रहम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट ही है। क्लियर? चलिए जी, अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। हु इज द ऑथर ऑफ द बायोग्राफी ऑफ इंडियाज यंगेस्ट बास्केटबॉल कैप्टन विशेष वीरू गवंशी टाइटल विशेष कोट टू विन? बच्चा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल देना। सवाल है, भारत के सबसे कम उम्र के बास्केटबॉल कैप्टन VH विशेष भगवंशी की जीवन का शीर्षक विशेष कोट टू विन के लेखक कौन है? ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ऑल 2021 एग्जाम, 2021 के सभी एग्जामों के लिए सवाल रेलेवेंट रहेगा। चलिए जी, ट्राई कीजिए एक बार जल्दी से। क्या होगा सवाल का जवाब? निरुपमा यादव, किरण देसाई, शाली चोपड़ा या प्रीति शेनॉय? जी बहुत बढ़िया, अंकित यादव जी, अंकित अरि अरिका यादव जी, बहुत बढ़िया। बी सवाल का जवाब रहेगा निरुपमा यादव। क्लियर? सवाल का जवाब क्या होगा? सवाल का जवाब रहेगा निरुपमा यादव। सवाल इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए जी, मे बी जॉन रहम, ठीक है सही है, ये सवाल का जवाब आपको समझ आ गया, निरुपमा यादव। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। द सिक्योरिटीज ऑफर्ड फॉर द सब्सटीट्यूशन बाय द मार्केट पार्टिसिपेंट्स शैल बी ऑफ द सिमिलर मार्केट वैल्यू बेस्ड ऑन द लेटेस्ट प्राइस पब्लिश बाय FIMMDA। व्हाट डज स्टैंड फॉर FIMMDA में? वो बोल रहा है बाजार सहभागियों द्वारा प्रतिस्थापना के लिए दी जाने वाली प्रतिभूए FIMMDA द्वारा प्रकाशित नवीनतम कीमतों के आधार पर समान बाजार मूल्य में होगी। FIMMDA में DA का अर्थ क्या है? चलिए जी, फुल फॉर्म पूछ गया बच्चा, सीधा सा फुल फॉर्म पूछ गया। वो बोल रहा है FIMMDA में डी का अर्थ क्या है? बच्चा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत दमदार सवाल है, ठीक है जी। चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का जवाब? द फिक्स इनकम मनी मार्केट, द फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, द फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेट्स
एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है जी, अच्छा सवाल है। तो डी का मतलब क्या रहेगा? डी का मतलब रहेगा डेरिवेटिव्स। डी का मतलब क्या रहेगा? डी का मतलब रहेगा डेरिवेटिव। सवाल किस एग्जाम के लिए रेलिवेंट है? आरबीआई ग्रेड बी के लिए सवाल रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चलिए जी, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हु इज द अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ न्यू एग्जीक्यूटिव सीईओ, न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ बजाज फाइनेंस। दोबारा देख लीजिए सवाल, बजाज फाइनेंस के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एक सवाल और बनता है बच्चा, भारत की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी इसके हिसाब से, वैसे एक सवाल और बनता है शायद, कि 1 लाख करोड़ के आसपास का वो क्रॉस कर दिया इसने, 1 लाख करोड़ के आसपास का जितना मुझे याद है। चलिए भाई कमेंट करके बताइए फटाफट से। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बजाज फाइनेंस के नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? बजाज फाइनेंस के नए न्यू नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? और एक सवाल मैंने और पूछा, 1 लाख करोड़ क्रॉस करने वाली भारत की पहली टू व्हीलर कंपनी का नाम क्या है? सवाल का जवाब है संजीव बजाज। सवाल का जवाब है संजीव बजाज। जिसको लगता है सवाल रेलिवेंट नहीं है वो बताइए। एक सवाल से एक और सवाल निकाला बच्चा। दूसरा सवाल, भाई तुम्हारे पास भी बाइक होगी या घर में हमारे पास छोटा सा टू व्हीलर तो होता ही है, चाहे स्कूटर ही हो, तो भाई स्कूटर तक आता है बजाज का, ठीक है ना? सवाल का जवाब है संजीव बजाज। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव को देखते हुए। और इस सवाल का जवाब भी क्या रहेगा? इस सवाल का जवाब भी क्या रहेगा? हमारा बजाज, मतलब बजाज। ठीक है, चलिए जी, संजीव बजाज के साथ साथ एक सवाल और हो गया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल देना। सवाल है, व्हेन वाज द वर्ल्ड संस्कृत डे 2020 बिगिन सेलिब्रेटेड? वो बोल रहा है विश्व संस्कृत दिवस 2020 कब मनाया जा रहा है? बताइए भाई। भैया मनाया गया है 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त या फिर 4 अगस्त? क्या होगा सवाल का जवाब? जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए फटाफट, फटाफट से कमेंट करके। सवाल का जवाब दीजिए फटाफट से कमेंट करके। वो बोल रहा है व्हेन वॉज द वर्ल्ड संस्कृत डे बिगेन सेलिब्रेटेड, कब सेलिब्रेट हुआ वो वर्ल्ड संस्कृत डे? ऑप्शन है 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त या फिर 4 अगस्त। बहुत बढ़िया जी, सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा 3 अगस्त। इस सवाल को ऑल एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट मार्क कर लीजिए आप। इस सवाल को ऑल एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट मार्क कर लीजिए, हर एग्जाम में इस सवाल के पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। चलिए जी अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज अपॉइंटेड रमेश बाबू बोडू एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ द बैंक? रमेश बाबू बोडू को निम्नलिखित में से किस बैंक का अध्यक्ष सीईओ बनाया गया है? तो सवाल का जवाब है करूर व्यासा बैंक ऑफ, करूर व्यासा बैंक। ठीक है जी, ये बैंकिंग के लिए हो गया सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से देखिए। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है? एनडीएमए का हेडक्वार्टर मौजूद है कहाँ पर? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर नई दिल्ली, मुंबई, भोपाल या फिर कोलकाता। सवाल का जवाब क्या होगा? सवाल का जवाब होगा कोलकाता। ये सवाल भी एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सवाल और बताइए, एनडीएमए किस मिनिस्ट्री के अधीन आता है? एनडीएमए कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? एनडीएमए किस मिनिस्ट्री के अधीन काम करता है? ये सवाल भी बनेगा बच्चा एग्जाम में, जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए। एनडीएमए किस मिनिस्ट्री के अधीन आएगा? जब तक मैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। अगला सवाल है, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट एट जज एज द बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडर आईसीएआर इज सिचुएटेड इन? वो बोल रहा है केंद्रीय मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट को आईसीएआर के तहत सर्वश्रेष्ठ शोध संस्थान के रूप में घोषित किया गया है, बताइए कहाँ पर मौजूद है? सेंट्रल मरीन फिशरीज इंस्टीट्यूट, सेंट्रल मरीन फिशरी इंस्टीट्यूट वो बोल रहा है कहाँ पर मौजूद है? चलिए भाई जल्दी से जवाब दीजिए फटाफट से जवाब दीजिए, जवाब दीजिए कमेंट करके। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, पक्का होम अफेयर्स है?
ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अधीन आएगा, NDMA। चलिए भाई जल्दी से जवाब दीजिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर चेन्नई, त्रिवंद्रम, कोची या मदुरई। सवाल का जवाब रहेगा कोची, ठीक है ना, सवाल का जवाब रहेगा कोची। सवाल को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। एक सवाल और बनता है यहाँ पर, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो आप जवाब देंगे ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध है फिशरीज से। ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध है फिशरीज से, मतलब मछली पालन से। क्लियर? चलिए जी बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, व्हाट डज ओ स्टैंड्स इन WLAO। वो कह रहा है WLAO में ओ का मतलब क्या है? WLAO में ओ का मतलब क्या है? चलिए भाई जल्दी से, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, WLAO में ओ का अर्थ क्या है? ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटर, ऑर्डिनरी या ऑर्डिनेंस। क्या होगा भाई? क्या चलिए भाई जल्दी से फटाफट क्या होगा? सवाल का जवाब रहेगा, अगर पूरी फुल फॉर्म की बात करें तो वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर। सवाल का जवाब अगर पूरा बात करें तो वाइट लेबल एटीएम, और यहां से हो जाएगा ऑपरेटर, यहां से हो जाएगा ऑपरेटर। क्लियर? अच्छा सवाल है, एग्जाम्स के रेलेवेंट है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, विच फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट एवरी पर्सन हैज राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन एंड प्रोमोगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। वो बोल रहा है किस मौलिक अधिकार में भारतीय संविधान में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का अभ्यास करने, प्रचार करने और प्रचार करने का अधिकार है। ये हो गया भाई अपना पॉलिटी वाले क्वेश्चन। देखो प्रॉमिस किया है मतलब फुलफिल होगा। चलिए भाई जल्दी से कमेंट करके सवाल का जवाब दीजिए। एक सवाल और बनता है, क्या भारतीय संविधान में, क्या भारतीय संविधान में किसी धर्म का उल्लेख किया गया है या नहीं? मतलब वहां पे कहीं लिखा हुआ है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, क्या वहां पर ऐसे किसी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है या नहीं? सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस मौलिक अधिकार में भारतीय संविधान में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का अभ्यास करना, उसका प्रचार करना का अधिकार है? चलिए भाई है क्या अधिकार? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। चलिए जी देखते हैं सवाल का जवाब क्या होगा। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सवाल का जवाब रहेगा फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल रहेगा 25 से लेकर 28 तक, आर्टिकल नंबर 25 में लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में, धर्म की स्वतंत्रता के बारे में, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में। ठीक है जी, एक सवाल मैंने और बोला कि क्या पूरे संविधान में, भारत के पूरे संविधान में कहीं भी किसी धर्म का उल्लेख किया गया है? नेहा, नेहा जी ने जवाब दिया नहीं। बच्चा अभी आपको पॉलिटी मुझसे पढ़ना बाकी है, अभी आपने मुझसे नहीं पढ़ी। भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 25 में लिखा हुआ एक शब्द, जिस शब्द का नाम है हिंदूस, जिस शब्द का नाम है हिंदूस, और ये हिंदूस शब्द सभी धर्मों को दिखाता है एक्सेप्ट पारसीज। एक बार दोबारा देख लीजिए मैंने क्या बोला। मैंने बोला भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 25 में लिखा हुआ है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो एवं प्रचार कर सकते हो, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में वहां पर लिखा हुआ है। फिर मैंने सवाल पूछा कि क्या भारतीय संविधान में कहीं भी किसी धर्म को उल्लेखित किया गया है? आपने बोला नहीं, उल्लेखित नहीं किया गया। उसके बाद मैंने जवाब दिया जी हाँ, उल्लेखित किया गया है, धर्म लिखा हुआ है हिंदूज, और हिंदूज का अर्थ सभी धर्म है एक्सेप्ट पारसीज। ये सवाल पूछा गया था यूपीएससी में, ये सवाल पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स में। क्लियर? उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब आपको समझ आ गया होगा। जी बहुत बढ़िया, क्लियर। चलिए जी बच्चा अभी तो शुरू करूंगा पॉलिटी, तो पढ़ाई का है, रात को 10 बजे क्लास है पॉलिटी की तुम्हारी, इसी चैनल पे, अपने चैनल पे। बहुत सारी चीजें तुम ऐसे सीखोगे जो तुमने जीवन में कभी पढ़ी ही नहीं होंगी। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हुज रिकमेंडेशन इज मैंडेटरी टू इम्पीच द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज हर टर्म। वो बोल रहा है भारत का राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के
पूरा होने से पहले भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग लगाने के लिए क्या या किसकी सिफारिश अनिवार्य है? सीधा सा वो बोल रहा है बच्चा, इम्पीचमेंट के लिए क्या जरूरी है, किसकी जरूरत पड़ेगी इम्पीचमेंट के लिए? प्रधानमंत्री की, स्पीकर ऑफ लोकसभा की, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट? सवाल का जवाब मुझे उम्मीद करता हूं मैं आप दे देंगे। एक सवाल और बनता है बच्चा, भारतीय संविधान में महाभियोग शब्द इम्पीचमेंट कितनी जगह पर लिखा हुआ है? इम्पीचमेंट शब्द का इस्तेमाल भारतीय संविधान में कितनी जगहों पर किया गया है? ठीक है जी, आप अच्छी तरह जानते हैं, दो हाउस होगा, सवाल का जवाब हो जाएगा टू हाउस, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। लोअर हाउस हो जाएगा हमारा लोकसभा और अपर हाउस हो जाएगा हमारा राज्यसभा, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी बोल गया कोई, स्पीकर ऑफ लोकसभा। बच्चा क्या बोल रहा है, भारत का राष्ट्रपति मतलब उसको इम्पीच करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, उसको इम्पीचमेंट के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, कैसे पड़ेगी स्पीकर की? स्पीकर उसे इम्पीच कर सकता है क्या? सवाल का जवाब सीधा सा होगा, ठीक है ना? सवाल का जवाब सीधा सा होगा बच्चा, सवाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है। सवाल का जवाब सीधा सा होगा, मैंने बोला सवाल का जवाब क्या होगा, मैंने बोला सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। दो हाउसेज की जरूरत पड़ेगी, दो सदनों की मुझे जरूरत पड़ेगी, और ये दो सदन की मुझे स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। स्पेशल मेजोरिटी की मतलब विशेष बहुमत की, विशेष बहुमत क्या होता है, दो तिहाई, टू थर्ड मेजोरिटी की मुझे जरूरत पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब तो आपको जरूर समझ आ गया होगा, ठीक है ना जी? हाउस ऑफ पार्ट। उसके बाद एक सवाल मैंने और पूछा महाभियोग के बारे में, इम्पीचमेंट के बारे में, भारतीय संविधान में कहां पर लिखा हुआ है? जी बहुत बढ़िया, आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मिशू जी, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जी बच्चा, सवाल का जवाब क्या होगा, इम्पीचमेंट के बारे में दो आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। आर्टिकल्स को हिंदी में क्या बोलेंगे अनुच्छेद? दो आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, एक आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 56 और एक आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 61। 56 में क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का लिखा हुआ है, राष्ट्रपति के कार्यकाल का लिखा हुआ है, मतलब जॉब टेन्योर के बारे में लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है जी? किसके बारे में लिखा हुआ है? जॉब टेन्योर के बारे में 56 में, और 61 में लिखा हुआ है इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में। यदि आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आइए भाई क्लासेस में। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रिट रखे गए हैं? चलिए भाई जवाब दीजिए, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रिट रखे गए हैं? रिट कुछ इस प्रकार के होते हैं, क्यों वैरंतो, मेंडमस, प्रोहिबेशन, सर्शोरारी और हैबस कॉर्पस। हैबस कॉर्पस ठीक है जी, क्यों वैरंटो, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्शोरारी और हैबस कॉर्पस। तो सवाल का जवाब क्या रहेगा? सवाल का जवाब रहेगा पांच, मतलब ऑप्शन नंबर ए। कितने प्रकार के रिट रखे गए हैं? पांच प्रकार के रिट रखे गए हैं। कहाँ लिखा हुआ है ये बात लिखी हुई है बच्चा? आर्टिकल नंबर 32 में, आर्टिकल नंबर 32 में इस बात का उल्लेख किया गया। मगर याद रखना, सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा शक्ति होती है हाई कोर्ट के पास किस संदर्भ में रिट जारी करने के संदर्भ में, क्योंकि लिखे तो पांच ही हुए हैं रिट, मगर सुप्रीम कोर्ट के पास एक एक्स्ट्रा रिट है जिसका नाम है इनजंक्शन, जिसका नाम है बच्चा इनजंक्शन। और सुप्रीम कोर्ट के रिट के बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 32 में, हाई कोर्ट के रिट के बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 226 में। क्या यहाँ कोई डाउट है? यदि यहाँ किसी का कोई भी डाउट है तो जल्दी से बताइए भाई कमेंट करके। क्लियर हुआ या ऑल क्लियर हो गया? अबे 6,000 बच्चे तो कर दो, 10 बच्चे नहीं जोड़ पा रहे हो तुम लोग। 1,700 बच्चे हैं अपने साथ जो अभी मौजूदा एक्टिव हैं, 1,700 स्टूडेंट। भाई साहब छोड़ दूंगा पढ़ाना, फिर तुम्हें समझ आएगा कि मतलब सही मायने में क्या अहमियत थी। नहीं लग रही नौकरी भाई साहब, एक सिंगल क्वेश्चन टकरा जाए तुम्हारा सीएचएसएल में, मैं गारंटी दे रहा हूँ। पढ़ लो जिनसे पढ़ना है जी,
बहुत बढ़िया, ये सभी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉलिटी में, ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है जी। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, इन सभी चीज़ों के बारे में आपने समझ लिया होगा, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे पॉलिटी के पेजों को खोलेंगे और चीज़ों को भी हम समझते चलेंगे। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हु वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। अच्छा सवाल है, बेसिक सवाल है, जवाब दीजिए। जीवी मावलंकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम अनंता स्वामी अयंगर, या फिर डॉक्टर पी वी चरेन। लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे पहले, अच्छी तरह जवाब देना ट्राई करके। एक सवाल और बनता है यहीं से, सवाल कुछ इस प्रकार बनेगा, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, तो लोकसभा के पहले स्पीकर का नाम है बच्चा जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर। अब ये सवाल आप बोलोगे सर कई बार पढ़ा है मैंने, मैं तो पूरा नाम भी बता दूंगा, कई सारे बच्चे बोलेंगे कि सर हम तो इसका इनका पूरा नाम भी बता देंगे, इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेवन मावलंकर जी, बिल्कुल। मगर सवाल ये नहीं है बच्चा, सवाल ये है पहले मरने वाले स्पीकर का नाम क्या है, फर्स्ट स्पीकर हु डाइड ड्यूरिंग जॉब टेन्योर। सवाल है वो कौन से अध्यक्ष थे जिनका कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया था, वो स्पीकर कौन से थे जिनका कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया था, पहले कौन थे और दूसरे कौन थे, दोनों ट्राई करो एक बार। इस सवाल का जवाब क्या है, इस सवाल का जवाब है एम अनंता स्वामी अयंगर, मतलब ए अयंगर। सवाल का जवाब क्या है, एम अनंता स्वामी अयंगर मतलब ए अयंगर। क्या उस सवाल का जवाब देने में कोई बच्चा सक्षम है या नहीं, शोभिता शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है, क्या इस सवाल का जवाब देने में कोई सक्षम है या नहीं। करण मोहन जी, सोमनाथ चटर्जी, बच्चा नहीं सोमनाथ चटर्जी नहीं, सवाल मैंने पूछा वो फर्स्ट स्पीकर कौन थे जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था, वो फर्स्ट स्पीकर का नाम है जीवी मावलंकर, वो फर्स्ट स्पीकर का नाम है जीवी मावलंकर। ये ऐसे पहले थे जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था, एक और ऐसे थे जिनका नाम था जीएमसी बाल योगी या बीएमसी बाल योगी, ऐसा ही नाम था बच्चा, मगर बाल योगी था, ये याद रखना, ठीक है जी। तो आज तक दो ही ऐसे स्पीकर हुए हैं जिनका अपने कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया है। मैडम मैं काफी पतला हो गया, देखो कम कर लिया वजन, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी, ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, जीवी मावलंकर और जीएमसी बाल योगी, ठीक है ना। ये दोनों सवालों को भी याद रखना, मेरे पॉलिटी के नोट्स अच्छी तरह पढ़ाना बनाना, क्योंकि जो मैं हम शादी तो होने दो, भी तो शादी हुई नहीं मेरी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल उम्मीद करता हूँ आपको जवाब समझ आ गया होगा प्रॉपर, एक एक शब्द तुम्हें मॉडिफाई करके समझाएं अच्छी तरह समझ आ गया होगा। चलिए 24वां सवाल भी आपने टैकल कर लिया, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सवाल कुछ इस प्रकार है, इन द प्रेजेंस ऑफ ओथ ऑफ द फॉलोइंग डस द वाइस प्रेसिडेंट टेक्स ओथ, वो बोल रहा है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ उपराष्ट्रपति शपथ लेता है, निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी में उपराष्ट्रपति शपथ लेता है। वैसे तो मैं अभी बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा और बहुत सारा नया विद्यार्थी भी जुड़ेगा मैं जानता हूँ, मगर फिर भी जो पुराने विद्यार्थी अपने साथ कमेंट करके बताओ दुरंधर हो मेरे, जल्दी से राष्ट्रपति कौन सी तारीख को शपथ लेता है, प्रेसिडेंट टेक ओथ ऑन विच डेट, राष्ट्रपति कौन सी तारीख को शपथ लेता है, और साथ साथ इस सवाल का जवाब तो दे ही दो भाई कमेंट करके। बेसिक सवाल है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति, बहुत बढ़िया भाई, राष्ट्रपति की मौजूदगी में शपथ लेगा उपराष्ट्रपति, ये तो क्लियर हो गया, मगर सवाल है राष्ट्रपति कौन सी तारीख को शपथ लेता है, मगर सवाल है राष्ट्रपति कौन सी तारीख को शपथ लेता है। अच्छा सवाल है बच्चा, सर पॉलिटी कब से स्टार्ट कर रहे हो बच्चा, आज रात 10 बजे से पॉलिटी स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया, सभी पुराने हो मतलब फिर तो भाई। सवाल का जवाब 25 जुलाई, क्योंकि 25 जुलाई 1977 को नीलम संजीवा रेड्डी ने शपथ ली थी, और उनके बाद भारत में जितने भी राष्ट्रपति हुए सभी ने इस तारीख को शपथ ली है। त्रिलोक चंद जी बहुत बहुत स्वागत है बच्चा क्लास में, चलिए जी बहुत अच्छे बहुत बढ़िया, बढ़ चलते हैं अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल है, इंडियन सिटीजनशिप इज गारंटीड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या फिर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। चलिए जी जल्दी से जवाब दीजिए सर, आप
शादी कर लो, खाना टाइम पे मिल जाएगा। हाँ बच्चा कर लूंगा। यूएस मैन 20 जैन को, अच्छा यूएस, अरे यूएस में 20 जनवरी को शपथ लेते हैं। 20 को ली थी, 22 को ली थी जो बाइडन ने। बच्चा ऐसा नहीं है अंकुर कुमार जी, शपथ तभी ले लेते जो बाइडन हो सकता है तभी शपथ ले लेते, मगर वो मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में अमेरिका वाले में। शायद अमेरिका वाली मेरे हिसाब से नवंबर में चुनाव हुए थे वहां, 3 नवंबर के आसपास चुनाव हुए थे वहां शायद। नवंबर डेट फिक्स है चुनावों की, मगर शायद वो तो वाली फिक्स नहीं है। चलिए जी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एमएचए 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 एमएचए, बहुत बढ़िया। सवाल का जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तभी आपको याद होगा कुछ टाइम पहले ना एक मैटर उठा था, वो व्यक्ति शायद इंग्लैंड में रहते हैं, उन्होंने हमारे देश के गृह मंत्री के बारे में एक बयान दिया, जबरदस्त था, उल्टा सा बयान दिया। बनता है वैसे भाई, ठीक है ना, इस लाइन को सेंसर कर लेना, मतलब छुपा देना। तो भाई एक बयान दिया, जबरदस्त सा, खतरनाक सा बयान दिया, एक मैगजीन में वो बयान प्रिंट हुआ। उसके बाद पूरी की पूरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उनके साथ उनके पीछे लग गई। उसके बाद निकाला गया कि उनके पिताजी का नाम क्या था भाई साहब, क्योंकि भारत कहता है कि हम पी आई एल करके, POI POI करके बच्चा एक कार्ड होता है, पढ़ाऊंगा उस कार्ड के बारे में भी मैं आपको, जो अदर सिटीजन को दिया जाता है जिनके पूर्वजों का संबंध भारत से है, कहीं ना कहीं बहुत सारे बेनिफिट्स लाभ इन्हें मिलते हैं। अब उस बंदे के पास ये वाला कार्ड था, अब उसका रिलेशन निकाला गया पाकिस्तान से, और यूं करके निकाला उसका रिलेशन कि पिता वाइफ, वाइफ दूसरी वाइफ, तीसरी वाइफ, ऐसे करके रिलेशन निकाला, भाई साहब कार्ड कैंसिल कर दिया। ठीक है जी, उनका फिर इंटरव्यू छपा था, देखा था मैंने, पढ़ा था। ये बात मैं आपको बता रहा हूं 2019 की, जितना मुझे याद है ये बात आपको बता रहा हूं 2019 की, 2019 की बात है बच्चा, ये 2019 की बात है ये। ठीक है जी, सवाल का जवाब उम्मीद करता हूँ आपको मिल गया होगा। ठीक है बच्चा, चलिए जी, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। 5 प्रकार से नागरिकता दी जाती है, सिटीजनशिप एक ही प्रकार की दी जाती है भारत में। भारत केवल और केवल सिंगल सिटीजनशिप प्रदान करता है, ये तुम जानते ही हो, मगर 5 तरीके हैं उसको प्रदान करने वाले, ठीक है ना, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय एडिंग न्यू यूनियन टेरिटरी, बाय एडिंग न्यू यूनियन टेरिटरी, और देश की रिस्पेक्ट करके उस तरीके से, ठीक है ना। चलिए जी, तो 5 मेथड है, मगर सिटीजनशिप एक सिंगल ही दी जाती है हमारे देश में। पहले एक और दी जाती थी जम्मू और कश्मीर वाली, बट अब जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर वो वहां खत्म कर दिया। इन सब चीजों को धीरे धीरे करके पढ़ाऊंगा, एक साथ नहीं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत में मौजूदा चीफ जस्टिस जो है उनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े। इनसे सवाल बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं बच्चा, ठीक है, एमटीएस में बन जाएगा सीधा सवाल कि भारत के मौजूदा कौन है। चलिए जी, सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द अपकमिंग प्रेसिडेंट्स ऑफ एएसओ और ओपीएससी के एग्जाम की तैयारी। बच्चा ये कौन मैसेज कर रहा है, बच्चा है वो कह रहा है कि सर एएसओ और ओपीएससी के लिए क्लास कराइए, एग्जाम आ रहा है। ठीक है जी, डन बोल देता हूँ मैं उसे, और क्लास का लिंक भी शेयर कर देते हैं उसे। ठीक है जी, सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब दीजिए फटाफट से जी। बहुत बढ़िया, इजी सवाल है। सवाल का जवाब है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के चेयरमैन होते हैं राष्ट्रीय एकता परिषद के। देखिए यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी ये जानने की कोई दिलचस्पी नहीं होगी व्हाट इज द इंटीग्रेशन काउंसिल, ठीक है ना। मगर हाँ, मैं अब मेरी तरफ से है ना तुम्हें ये छोटे छोटे ऑफिस के बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारियां दे दिया करूंगा पॉलिटी वाली क्लास में, ताकि एक ही बारी में कंप्लीट हो जाए हमारा पूरा काम। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डिड इंडिया बिकम अ फुली सॉवरेन एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वो बोल रहा है भारत का पूरी तरह से संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। हाँ इस सवाल को होमवर्क मार्क कर लीजिए बच्चा, इस सवाल का जवाब आप ऑफलाइन में कमेंट करके मुझे देंगे, इस सवाल को ऑफलाइन में आप कमेंट करके मुझे देंगे। तो कुछ चीजें तो बताइए भाई, कुछ
चीजें तो आपके लिए भी होनी चाहिए ना। ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1930, इसे काट देना, इसे काट देना, इसमें 50-50 कर लेना, 50-50। मगर ध्यान रखना क्या बोल रहा है, सोवरिजन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तीन शब्दों की ही बात कर रहा है वो। और ये भी देख लेना, दो जो नए शब्द थे वो कब जोड़े गए थे, जिसके बाद ट्रिक बनी थी NTRCC, ठीक है ना, हमारी NTRCC, सोवरिजन सोशलिस्ट रिपब्लिक डेमोक्रेटिक, इस तरीके से सोवरिजन सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक, इस तरीके से ट्रिक है, ठीक है जी। ये ट्रिक भी पढ़ाऊंगा बच्चा जल्दी से ही, इस सवाल का जवाब तुम दोगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद व्हाट पीरियड द पार्लियामेंट हैज टू अप्रूव फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट, वो कह रहा है किस अवधि के भीतर संसद को राष्ट्रपति द्वारा घोषित वित्तीय आपातकाल को मंजूरी देनी होगी, 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने। चलिए जल्दी से जवाब दे दीजिए, आसान सवाल है, 6 महीने तो है, सवाल का जवाब देके खत्म करो। चलिए भाई जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट से, किस अवधि के भीतर संसद को राष्ट्रपति द्वारा घोषित वित्तीय आपातकाल को मंजूरी देनी होगी, 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने या फिर 4 महीने, क्या होगा सवाल का जवाब। अच्छा सवाल है, बेसिक सा सवाल है। कहाँ चले गए मेरे धुरंधरों, छोटे छोटे से विद्यार्थियों मेरे, 6,000 बच्चों तो पूरे करा दो, 5.999 है। 3 महीने, प्रतिभा यादव जी ने, यादव जी ने जवाब दिया 3 महीने। अबे क्यों छेड़ रहा है अर्जुन बच्चा, क्यों छेड़ रहा है, वह केस बनता है इन बातों पे भी, फिर मैं एडवाइस दे दूंगा इनको बच्चों को कि कैसे बनता है केस ऑनलाइन क्राइम में जी। बहुत बढ़िया, करण मौर्य जी ने जवाब दिया 2 महीने। ऑप्शन दोबारा देख लीजिए, 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने। चलिए जी सुशील कुमार योगी जी भी जवाब दे रहे हैं 2 महीने, सवाल का जवाब है 2 मंथ्स, याद रखना बच्चा। एक बार यह हल्की सी झलक दे देता हूँ तुम्हें, तीन प्रकार की इमरजेंसी होती है, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल। नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, 352, 356, 360। इसे 1 महीने में पास करना होता है पार्लियामेंट से, इसे 2 महीने में करना होता है, इसे भी 2 महीने में पास करना होता है, इन दोनों को 2 महीने में, इसे 1 महीने में पास करना होता है। एक सवाल और है जरा उसको भी ट्राई कीजिए जल्दी से, क्या नेशनल इमरजेंसी पूरे भारत में लगाई जाएगी या एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट जिले में भी लगा सकते हैं, क्या नेशनल इमरजेंसी पूरे के पूरे भारत में लगाई जाएगी या एक छोटे से जिले एक छोटे से कस्बे में भी लगा सकते हैं, सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से फटाफट से। 52, 56, 60, वैसे बच्चा बहुत सारे आर्टिकल है इसके अलावा, और इसके अलावा आर्टिकल है 239 AB, इसके अलावा आर्टिकल है 299, इसके अलावा आर्टिकल है 365, इसके अलावा आर्टिकल है 352, 356, 360, 360, 355, 358, 359, इसके अलावा और आर्टिकल भी है बच्चा, आर्टिकल है अपना 74 का क्लाउज 1 का क्लाउज i, इसके अलावा आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 92। ये सभी आर्टिकल्स का संबंध किससे रहेगा, इमरजेंसी से, ये सभी आर्टिकल संबंधित रहेंगे बच्चा इमरजेंसी आपातकाल से, ठीक है जी। जब हम पढ़ेंगे ना अपने लेवल की इमरजेंसी तब पढ़ाएंगे, छोटे से में भी लगा सकते हैं, 42nd अमेंडमेंट के बाद बोला गया था। बहुत बढ़िया, नेशनल इमरजेंसी बच्चा केवल और केवल पूरे देश में लगाने की बात नहीं है, नेशनल इमरजेंसी एक छोटे से जिले एक छोटे से कस्बे में भी लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, क्या होगा रीजन, वो रीजन जानने के लिए आपको सर ऑल इंडिया में लगाते हैं दीपांक उपाध्याय जी, नहीं बच्चा ऑल इंडिया में नहीं, एक छोटी सी जगह पे भी लगा सकते हैं, मैं पढ़ाऊंगा दोबारा से सब कुछ पढ़ाऊंगा। अपकमिंग प्रेजिडेंट कैन बी इम्प्लीमेंटेड, नेशनल इमरजेंसी कैन बी इम्प्लीमेंटेड, बट वाई बच्चा, वाई यू वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट इट, नेशनल इम्प्लीमेंट होगा पहले तो, इम्प्लीमेंटेड कैसे होगा अगर अभी लगाने की बात कर रहा है तो, और यूज कर रहा है पास्ट टेंस, ईडी लगा रहा है बच्चा तू साथ में। मनीष कुमार लोधी जी बहुत बढ़िया, चलिए जी सवाल समझ आया, जवाब समझ आया, पूरा क्लियर है ना, क्लियर है तो थम्स अप कीजिए, और 10 बच्चे चाहिए, 6,000 हो जाएंगे, देख लो भाई तुम इतने नहीं जोड़ सकते यार, अबे तुम्हें लगता है कोई बेहतर पढ़ा देगा, और
चलिए जी, बहुत बढ़िया, सवाल समझ आ गया होगा। ये सब पढ़ाऊंगा बच्चा धीरे धीरे करके। 1971 का बहुत पढ़ाऊंगा इस बार तुम्हें। 1962 तो तुम्हें पढ़ाया है ना मैंने, 26 अक्टूबर 1962 को भारत ने पहली बार लगाई गई नेशनल इमरजेंसी। वो वाला वॉर तो तुमने पढ़ा, इंडो चाइना वॉर, जिसमें आसाम के एक गाँव में जब चाइना अटैक कर रहा था रात को, रातों रात 25 अक्टूबर 1962 को रातों रात एक बैंक को पूरा का पूरा खाली कर दिया गया। बैंक में मौजूद करेंसी को आग लगा दी गई और बैंक में मौजूद सिक्के जो थे उन सिक्कों को डंप कर दिया गया तालाब में। ये कहानी तो तुम्हें मैंने बहुत बार सुनाई है, इस बार 71 वाली अच्छी तरह सुनाऊंगा। 71 वाली भी सुना रखी है वैसे मैंने तुम्हें, जनरल सैम मानिक शॉ वाली, सैम मानिक शॉ वाली कहानी भी मैंने तुम्हें सुना रखी है, सैम मानिक शॉ, मुक्ति वाहिनी, इंदिरा गांधी। चलिए जी, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में राज्य का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में राज्य का अर्थ क्या है? अच्छा, मैं हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा इस बार। अरे बच्चा स्माइल कर दो रहा हूँ फर्स्ट क्लास, अभी सबको सब्सक्राइब के लिए बोलता हूँ बच्चा, सबको बोल दे सब्सक्राइब के लिए। देख भाई गारंटी मैं ले रहा हूँ, अगर तुम यार खुद देखो, तुमने पढ़ रखी होंगी, हजारों बार पढ़ रखी होंगी चीजें जो नए बच्चे हैं, मगर तुम्हें कभी इतना स्पेसिफाई करके एक एक चीज किसी ने नहीं समझाया होगा। इवन अभी तो मैं पॉलिटी पढ़ा नहीं रहा हूँ यार, मैं पढ़ाऊंगा तो बच्चा नेक्स्ट लेवल पे जाके। सवाल का जवाब क्या है? ऑल ऑफ द अबव, यूनियन स्टेट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट, ऑल आर कम्स अंडर द मीनिंग ऑफ स्टेट, ऑल आर कम्स अंडर द, तरह बोल रहे हो क्योंकि आर्टिकल नंबर 12 कहता है कि भाई यूपीएससी भी अपना किसके अधीन आ जाएगा, यूपीएससी भी आ जाएगा अपने स्टेट के अधीन। ठीक है जी, अब समझ आया उसके पास, उनके पास इतनी शक्ति क्यों होती है, क्योंकि वो खुद में एक राज्य है। बफरिंग हो रही है, चल तो रही है बच्चा, चल रही है क्लास, तो चल रही है, सही चल रही है फर्स्ट क्लास। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जी, मैं उम्मीद करता हूँ सवाल तुम्हें समझ आ रहा होगा अच्छे से जी। बहुत बढ़िया रिका यादव जी, बच्चा नहीं हो रही बफरिंग। ठीक है चलिए, वैसे भी ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन का टारगेट रखा था बच्चा, पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन पढ़ाए हैं तुम्हें, एक सिंगल क्वेश्चन तुम्हें मिस नहीं किया। इस सवाल का जवाब भी तुम समझ गए। ये आर्टिकल नंबर 12, आर्टिकल नंबर 36 और आर्टिकल नंबर 152 में क्या अंतर है, ये तीनों का अंतर धीरे धीरे समझ आएगा, एक दिन में कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है बस, चलिए जी, अब जो भी नया बच्चा जुड़ा है हमारे साथ, अपकमिंग प्रेजिडेंट साहब, जो भी बच्चा कांटेक्ट में है, जितने भी बच्चा कांटेक्ट में है, सबको धीरे धीरे करके जोड़ लाओ, बहुत जरूरी है। तुम्हें पता है तुम्हारे लिए क्लास लेना, अगर तुम एसएससी की तैयारी कर रहे हो और रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो मैं तुम्हें गारंटी देकर बोल सकता हूँ, विदाउट माई हेल्प तुम नहीं क्लियर कर पाओगे। मैं मतलब ये बोलना नहीं चाहता शब्द, मगर मैं तुम्हें बोलूंगा, विदाउट माई हेल्प नॉट एबल टू क्रैक एनी वन ऑफ द एग्जाम। ठीक है, बहुत रेलिवेंट है बच्चा ये कंटेंट, मतलब हवा में नहीं आता ये कंटेंट, मैं पूरे पूरे रात दिन बैठ कर मेहनत करता हूँ तब ये कंटेंट निकालता हूँ, उसके बाद तुम्हारे सामने डिलीवर करता हूँ। ठीक है जी, हाँ बीपी यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए और क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए। आज रात 8:30 बजे हम बात करेंगे नाइट अफेयर्स, कुछ अलग करते हैं ना भाई, वही पुराना क्यों, करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स, वाई वी लर्न करंट अफेयर्स, इतने सारे करंट अफेयर्स हैं यार, मैं कैसे पढ़ूंगा, मुझे कैसे याद होंगे इतने सारे करंट अफेयर्स। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नाइट अफेयर्स, 25 मिनट 25 सवाल और काम खत्म, एक दिन का काम खत्म, 25 मिनट 25 सवाल 2 दिन का काम खत्म, 25 मिनट 25 सवाल 3 दिन का काम खत्म, उसके बाद एक दिन कर लेंगे पूरा का पूरा वीकली अफेयर्स। ठीक है ना, उनमें पूरे के पूरे जितने सवाल पड़े उनको रिवाइज कर लेंगे, इस तरीके से कम कंटेंट पे काम करके ज्यादा बेनिफिट हो पाएगा हमें। ठीक है, उसके बाद 10 बजे की क्लास पॉलिटी की है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, दोबारा मिलेंगे अपने इसी चैनल पर। ये आपका खुद का चैनल है, ये मेरा चैनल है जो अनअकैडमी ने मुझे बनाकर दिया है, तो आपकी ड्यूटी होनी चाहिए चैनल पर आना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।